सो कल रात मैंने एजेंट फिल्म का ट्रेलर को रिलीज करा गया और ट्रेलर को देखने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा वाइब आ रहा था, क्योंकि मैं ये ट्रेलर के लिए ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था देखने के लिए। क्योंकि जब भी मैंने इसका टीज़र देखा हुआ था ना भाई, मेरे को टीज़र सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था, क्योंकि टीज़र में जो अखिल सर का जो कैरेक्टर था ना, वो काफ़ी क्रेजी था। और इस तरीका से कैरेक्टर ना, मतलब इस तरीका से क्रेजी एजेंट ना, आज से पहले मैं किसी फिल्म में नहीं देखा था, खासकर इंडियन फिल्म में तो भाई मैं नहीं देखा था। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस फिल्म के ट्रेलर को लेके। बट फाइनली कल रात में ट्रेलर को रिलीज़ करा गया। बट यहाँ मेकर्स ना एक बहुत बड़ी गलती कर दिया, एजेंट का मेकर्स ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। गलती ये कर दिया कि जब इस फिल्म का टीज़र आया था ना, उस टाइम ये फिल्म ने काफ़ी अच्छा खासा बज क्रिएट करा हुआ था। अगर उस टाइम ये फिल्म रिलीज़ हो जाता ना, कसम से बोल रहा हूँ यार, ये फिल्म फाड़ के रख देता बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि उस टाइम ना लोग अलग ही लेवल पे पगलाए हुए थे। बट यहाँ मेकर्स बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं यार, टीज़र कब रिलीज़ करें, देन उसके बाद कितने टाइम बाद इन लोगों ने फिर ये ट्रेलर को रिलीज़ करा है। इनफैक्ट ये लोग रिलीज डेट भी भाई अनाउंस नहीं कर रहे हुए थे, कन्फ्यूज थे। बट फाइनली ये फिल्म 28 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है। बट थोड़ा ये फिल्म को लेकर ना बज कम हो गया। मैं हिंदी मार्केट की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं साउथ मार्केट की बातें कर रहा हूँ। और हाँ, ये फिल्म हिंदी बेल्ट में पोस्टपोन्ड हो चुकी है। 28 अप्रैल के दिन ये फिल्म तेलुगू और मलयालम लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। हिंदी वाला जो सीन है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। अभी हिंदी में कब ये फिल्म रिलीज़ होगा इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा मैं तुम लोगों को कन्फर्म कर दूंगा। सो जो भी लोग वेट कर रहे हैं हिंदी ट्रेलर का, तो भाई तुम लोग वेट मत करो, क्योंकि ये फिल्म का अभी तो हाल फिलहाल में हिंदी वाला ट्रेलर हम सबको देखने को नहीं मिलने वाला है। जो भी लोगों को देखना है ये फिल्म का ट्रेलर को, तो तुम लोग जाके तेलुगु लैंग्वेज में देख, मज़ा आएगा मैन, नो डाउट। ट्रेलर के जिस तरीका से कटिंग करा गया है भाई, बहुत ही बेहतरीन कटिंग करी गई है। कहीं भी मेकर्स ने ये फिल्म के स्टोरी को रिवील नहीं करा, इतना तो कन्फर्म हम सबको पता है कि एक एजेंट के ऊपर कहानी है, उसको मिशन दिया जाता है, वो मिशन पूरा करता है। इन सब फिल्मों का ना स्टोरी सिंपल होता है, बट मज़ेदार चीज़ें ये होती है प्रेजेंटेशन की, डायरेक्टर किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और अच्छी बात ये जो ये डायरेक्टर है ना, इन्होंने ही भाई रेस गुरम बनाया हुआ था अल्लू अर्जुन का, जिसमें रवि किशन विलन थे, याद है तुम लोगों को, वही डायरेक्टर ये फिल्म को बनाए हुए हैं। भाई ये तो खतरनाक फिल्म ये जाने वाली है। ट्रेलर के एक और अच्छा चीज़ ये है ना, इसका कलर टोन काफ़ी सही रखा गया है और बहुत ही फास्ट पेस्ड ट्रेलर है यार। कट टू कट दूसरा शॉट आता है, ये चीज़ें ना भाई एक्साइटमेंट बढ़ाता है फिल्म को लेकर, क्योंकि ना कहीं भी मेकर्स ने कोई भी ऐसा क्लू नहीं छोड़ा है जिस क्लू को देखने के बाद ना ऑडियंस को ना इस फिल्म का स्टोरी थोड़ा ना पता चले। ऐसा बताया जाता है कि बहुत ही इम्पॉसिबल वाला मिशन है और इस इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करते हैं यह फिल्म का जो एक्टर है अखिल सर। और अखिल सर क्या खूब लगे हैं मैन, मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी बनाई हुई है मैन, क्या बॉडी शॉट है, खतरनाक लगे हैं यार। ऊपर से वो लास्ट वाला जो मशीन गन वाला जो शॉट है, धा 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 धा, भाई उड़ाते जाते हैं यार। और वो वाले सीन में भाई देख तो बुलेट कैसे यहाँ प्रॉपर वो सजा के रखे, दना दन दिए जा रहे हैं भाई, क्या वो पी सीन है। इस तरीके से जो भी सीक्वेंस है ना मशीन गन वाले, हम सब ने बहुत सारी फिल्मों में देखा तो है, बट यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर कुछ यूनिक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके पीछे की बीजीएम भी भाई ट्रेलर की अच्छी लगी। तो अखिल सर के अलावा अपने ममूटी सर भी देखने को मिल रहा है भाई, और ममूटी सर क्या स्मार्ट लग रहे हैं यार, मतलब बताओ इस एज में भी इतना इन लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है। और इनके अलावा बॉलीवुड से डीनो मौर्या भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं। इस फिल्म में ये विलन बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है काफी खूंखार विलन बने हुए हैं। तो मतलब इस फिल्म का ट्रेलर को देखने के बाद तुम बोल सकते हो ये साउथ की पठान है यार, क्योंकि पठान भी एक मिशन बेस्ड वाली फिल्म थी और ये भी एक मिशन बेस्ड वाली फिल्म है। तो बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग इस पर क्या कहना है, तुम लोग की फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, ओपिनियन कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।